नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 4% बढ़ा केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता। अब कर्मचारी के खाते में आएंगे 9104 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार ने किन केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है और जो पैसा है वह केंद्रीय कर्मचारी के खाते में सरकार कब डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, त्यौहारिक सीजन में केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते या डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार नवरात्र के दौरान ही डीए बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है। केंद्र सरकार डीए में 4% बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर डीए दर मौजूदा 42% से बढ़कर 40% हो जाएगी। लेकिन आज हम आपको बता दें कि डीए 4% बढ़ने पर केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ता जो बढ़ेगा उसे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होगा। दोस्तों, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे वर्तमान में 42% डीए के आधार पर 7,560 रुपये का मासिक भत्ता मिलता है। 4% बढ़ोतरी पर डीए की नई दरें 40% हो जाएगी और कर्मचारी का मासिक भत्ता बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा। मासिक भत्ते में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी। डीए पर सरकार की नई मंजूरी जुलाई से लागू हो गया। ऐसे में कर्मचारियों की आगामी सैलरी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कि कुल 4 महीने के भत्ते में जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार 18,000 रुपये के मूल वेतन वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन में 2,880 रुपये का फायदा होगा। दोस्तों, 56,900 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए वर्तमान 42% डीए उनकी मासिक कमाई है 23,898 रुपये। 40% महंगाई भत्ता होने के बाद मासिक भत्ता हो जाएगा 26,174 रुपये। बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 4 महीने का भत्ता भी मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन में 4 महीने के लिए कुल 9,104 रुपये का भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।